ने टॉपिक शुरू किया हुआ है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के गुण अवगुण और कहते कि किसे हैं ये। आज हमारा टॉपिक है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के दोष, उसके अवगुण कि इस प्रतिनिधित्व प्रणाली के क्या दोष हैं। सबसे पहला दोष है इसका कि व्यवसायों का वर्गीकरण करना इतना आसान नहीं। जो लोग ये कहते हैं ना बच्चे कि जो व्यवसायों के आधार पर प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए, या आलोचक बार बार यही कहते हैं कि व्यवसायों के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलने से सारे वर्ग के हितों की रक्षा होती है, तो ये बेटे उनको समझ लेना चाहिए कि वर्गीकरण करना जो है, क्लासिफिकेशन है ना जो प्रोफेशंस की, वो इतनी आसान काम नहीं है। अगर हर व्यवसाय को विधानमंडल में प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो इसके सदस्यों की संख्या जो वो है हजारों तक पहुँच जाएगी, और इतनी भीड़ में कोई भी फैसला जो नहीं लिया जा सकता, ये इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है। सेकंड है, विधानमंडल की एकता के लिए हानिकारक है। विधानमंडल में क्या होगा, फिर छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, जैसे वकीलों का अलग, डॉक्टरों का अलग, और फिर हर गुट जो का प्रतिनिधि जो है वो अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा, जिससे जो विधानमंडल की एकता होती है, जिसका काम होता है देश के फायदे के लिए सोचना, वो खत्म हो जाएगी। तीसरा दोष है इसका, प्रतिनिधि जो है वो सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहना कि प्रतिनिधि केवल अपने ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, ये सोच भी बेटे आलोचकों की गलत है, क्योंकि बहुत कम प्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो क्षेत्रवाद की भावना अपने दिल में रखते हैं। नहीं तो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो केवल अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जो उनके देश के हितों के खिलाफ हो। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इस प्रणाली के कारण क्या होता है, जो मिनोरिटी होते हैं ना उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग व्यवसायों को तो प्रतिनिधित्व मिल जाता है, लेकिन जो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कम गिनती के लोग रह जाते हैं। अल्प मीन्स होता है कम, संख्यक मीन्स संख्या में जो कम गिनती के लोग होते हैं, उनके लिए कोई भी सीट प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। तो ये थे इसके दोष, किसके, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के। तो इस दोषों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि चाहे ये प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे अलग अलग व्यवसायों के हितों का विकास हो जाता है, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, लेकिन फिर भी ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आज के समय में जब इतनी जनसंख्या है देशों की, तो उसमें इस प्रणाली को लागू करना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्रीय देश में आज तक इसे लागू नहीं किया गया है। ये टॉपिक बेटे खत्म हो गया है, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।